तो दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में सी बसी है। मैंने और को नाम त्यागी दयो और प्रभु तेरे नाम की भेंट कसी है। तुम बिन नाथ दशा वो है जैसे जल जाल में मीन फंसी है। अरे ऐसी करो जमलाज रहे प्रभु तेरी हसी न हमारी हसी है। आदरणीय श्रोता बंधु, राजपूत कैसेट के सौजन्य से ये कहानी बिछड़ी हुई हम पूरी करने के लिए जा रहे हैं। तो आ जाइए उसी कहानी की ओर, गुलशन ओवर। कि जब लड़का से ये कहा कि हम कहानी तो सुना देंगे लेकिन कहानी पूर्ण होने के बाद तुम्हारा हम सर काट लेंगे, लड़का ने कहा ठीक है, हमें तुम्हारी बात स्वीकार है, कहानी सुनाने के तुरंत बाद तुम हमारा सर काट देना। अब उसी समय लड़का को अपने आगे बैठा लिया उस सनोबर राजा ने और नौकरों को इशारा कर दिया। जब नौकरों से इशारा किया तो उस लड़का ने क्या देखा सामने, सामने से कि हथकड़िया हाथ में पड़ी भई और एक लड़की पास बुलाई है। हुआ पीछे कुत्ता रहो आई है। लड़का ने नजर बढ़ा करके जब देखा सामने से एक लड़की आ रही है जिसके हथकड़ियां पड़ी हैं, बेड़ियां पड़ी हैं, एक कटा हुआ सर है और एक पीछे पीछे कुत्ता आ रहा है और यार वो तथा न देखी जाती थी। कुछ और देखा लड़की के जो हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हुई हैं, फटे पुराने वस्त्र हैं। पैदल नहीं चल पाती थी तब नौकर मार लगाते थे। लड़का ने देखा एक लड़की आ रही है, हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हुई हैं, एक कटा हुआ सर रखा है और उसके पीछे कुत्ता आ रहा है, लेकिन लड़की की बड़ी दुर्दशा है। वो लड़की हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हैं, फटे पुराने वस्त्र हैं और जब वो पैदल नहीं चल पाती थी नौकर कोड़ों की मार लगा रहे थे और लड़की को लाकर के सामने खड़ा कर दिया। और जब सामने खड़ा कर दिया तो उसी समय सनोबर राजा ने कहा कि देखो बेटा ये आ गई, यही है गुल नाम की एक लड़की। और बताया अरे ये ही है वो बे
लड़की को पास बिठा लिया, जिसके ऊपर नौकर मार लगा रहे हैं, और जवाब दिया कि ये ही गुल नाम की लड़की है और मेरा नाम है सनोबर। बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब जो कुत्ता देख रहे हो ना, अरे ये कुत्ता मेरो मित्र है, अरे मेरे लाला जाने मेरी बचाई थी जान जी। जवाब दिया, देखो बेटा ये कुत्ता जो है ये हमारा मित्र है, हमारा भाई है, जिसने हमारी जान बचाई थी, और ये लड़की जो बैठी है जिसके हाथ में हथकड़ियां और पैरों में भेड़ियां हैं, फटे पुराने वस्त्र पहने हैं, ये ही गुल नाम की लड़की है और ये कटा हुआ सर रखा है, इसी ने मेरे साथ में कुछ किया था। अब कहानी क्या थी वो हम तुम्हें बता रहे। देखो एक दिन ऐसा हुआ, मैं शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। बगिया के बीच में जा बैठी थी सुंदर नारी, एक दिन की बात देखल हाथ बढ़े अगारी बढ़े अगारी, गए बगिया के बीच में जा बैठी सुंदर लाला। मैं शिकार खेलने के लिए जब गया और यही लड़की बगीचा में बैठी हुई मिली, लेकिन हमें देख करके लड़की ने अपनी सहेलियों से संकेत किया, लेकिन हम इस लड़की को देख करके क्या बताऊं बेटा क्या बताऊं, हम रूप देख गए। जवाब दिया, देखो बेटा यह लड़की जिसका नाम गुल है, यह लड़की हमें देख करके हमारे ऊपर मुग्ध हो गई और मैं भी इसकी तंदुरुस्ती देख करके दीवाना हो गया। ऐसा ही नहीं तो मैंने तो कुछ कह नहीं पाया, और जब लड़की ने हमें देखने के बाद में अरे हाथ जोरी के कई कहो क्या नाम तुम्हारा है, रे कहो क्या नाम तुम्हारा है, बैठो मेरे पास के तुमसे स्वार्थ हमारा है। जवाब दो, अब जाके सूरत देख के हम मोहित तो भय, लेकिन हमारी हिम्मत ना है परिजा से कोई बात करीबे की, तो लड़की ने ही हमसे बात की और इसने कहा अरे करो चाहत तुम संग शादी और तुम्हारे पीछे हो मैं चाहे जीवन की बर्बादी, रे करो चाहत तुम संग शादी, रे करो चाहत तुम संग शादी और तुम्हारे पीछे हो मैं चाहे जीवन की बर्बादी। पे में आधीन भई मानो मेरी बात, आज में तेरी नारी भई। हमने तो जा सके कुछ कह नहीं पाई,
लेकिन उस लड़की ने ही हमसे ये कहा कि हम तुम्हारे रूप को देख करके हम तुम्हारे ऊपर आशिक हैं, अगर तुमने मेरे साथ विवाह नहीं किया, अगर तुम मुझे ठुकरा दोगे तो मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ शादी नहीं करूंगी, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे घर में चले चलो, चले चलो ना। और वो लड़की ने उत्तर दिया कि तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम नहीं जाओगे नहीं जाओगे। तो वो लड़की बोली कि चलियो मेरे संग आंगन में, अरे चलियो मेरे संग आंगन में, मैं तुम संग ब्याह रचाऊंगी रचाऊंगी, तो तुम संग ब्याह रचाऊंगी रचाऊंगी, अब दस तुम बिन में मर जाऊंगी। लड़की बोली ना चाहिए कोई माल खजानो, ना कछु जेवर मोहे बनवानो, और तुम जो कहो सोई हर पल में टहल बजाऊंगी बजाऊंगी, तो यंजे रखाई मर जाऊंगी। जवाब दो कि जब जब लड़की ने हमसे ऐसे वचन कहे कि तुम हमारे साथ चले चलो और हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे, अगर हमें तुम न मिल पाए तो हम तुम्हारे अलावा अपनी जान दे देंगे, इतनी बात जब सुनी तो मैं इसके साथ इसके घर चला गया। और जवाब दिया कि जब हम जाके घर गए तो इसने अपनी माँ से मेरे सामने एक बात कही कि हाथ जोड़ी इसी अभागी औरत ने ये कहा कि तुम हमारा विवाह कर दो। एक परदेसी मेरे संगा में, अरे मेरी मैया, अरे एक परदेसी संगा में, अरे मेरी मैया, मैं तो उनकी बनूंगी नारी जी। तुम हमारी शादी इन्हीं के साथ कर दो, अगर इनके साथ विवाह नहीं हुआ तो मैं जिंदगी में जीना नहीं चाहती, मैं जिंदगी में जीना नहीं चाहती, कभी दूसरे को नहीं चाहूंगी, लेकिन इनके साथ मेरा विवाह कर दीजिए, विवाह कर दीजिए माँ, अगर तुम मेरी जिंदगी चाहती हो। अरे तब मात गई अगवलाई, जब बिन्ने जो सुनी अकेली बिटिया अब ब्याह ना करो तो जब मरी धरी, ब्याह तो कर नहीं पड़े। अरे तब मातर गई घबराई, बहुत तेरी बिटिया समझ आई, बाके समझ ये कनाई आई, मेरी जल्दी करो रे सगाई,
और जब आप दिया कि देखो बेटी एक परदेशी के साथ हम तुम्हारी शादी कैसे कर दें, नहीं तो कुल खानदान का पता है, ना ही बिरादरी का पता है, ना ही किसी गांव का पता है, न जाने ये कौन है कैसा है। जवाब दिया, अगर तुमने मेरी शादी नहीं की तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, यही लड़की बोली। और वो राजा बोला, किस लड़की ने कहा ऐसे हम चाहन हार नहीं, जो आज इन्हें कल और को चाहे, अरे फेंक देने निकाल दो करा और की ओर जो करे निगाहें। अरे लाख मिले इनसे बढ़िया, इन्हीं को कहे इन्हीं को शराए। अब जवाब दिया कि देखो बेटा, जिस समय इस लड़की ने जिद ठानी और जवाब दिया कि माँ हम शादी करेंगे तो केवल इन्हीं के साथ करेंगे, अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं फांसी लगा लूंगी, जहर खा लूंगी, लेकिन दूसरे के साथ शादी नहीं करूंगी। उसी समय मजबूर हो गए माँ बाप इसी बेवफा औरत के, जो गुल नाम की लड़की बैठी है और मेरा ही नाम सनोबर है, जो मैं अपनी जिंदगी की कहानी तुम्हें सुना रहा हूं। और बोले, अरे तब दीनी भामर डारी रे के चल दीनी सुकुमारी, जिद ठान गई तीन दिन घर में हमें बनाए राखी, जाने रोटी ना खाई। और जब माता पिता दुखी हो गए तब माँ बाप ने, अरे तब दीनी भमरिया डाल रे के चल दीनी सुकुमारी। अरे चल दीनी सुकुमारी, तब ही रोन लगी महतारी, ब्याह भो अब जे काय को धरती पे पांव धरती हुए, अम्मा जो हती सो रोए रोए के परेशान। और बे, अरे चल दीनी सुकुमारी, तब ही रोन लगी महतारी, मेरो तज के जाई रही द्वार देखे चल दीनी सुकुमारी। खुशी लली के मन में जाऊं प्रीतम के अब संग में, अति खुशी लली के मन में जाऊं प्रीतम के अब संग में, मिल गए मन के मोहि भरतार से के चल दीनी सुकुमारी। लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ और मेरे साथ चली, सोच रही थी ये लड़की, और हमसे कह रही थी मैं खुद तकलीफ उठाऊंगी प्रीतम से समय बिताऊंगी। मैं खुद तकलीफ उठाऊंगी प्रीतम संग समय बिताऊंगी,
जवाब दिया कि जब लड़की का विवाह मेरे साथ हुआ और वो लड़की मेरे साथ आंगन में चली आई, लेकिन मैं इस लड़की के प्यार में, इस लड़की की सुंदरता पर इतने आधीन हो गए कि मैं फंस नारी के प्यार में। अरे मेरे बेटा कोई भूल गए थे दरबार जी, जवाब दिया मोय नए मालूम थी जा बेबफाया रे मेरे लाला, मोसे करती कपट को प्यार दी। हाँ रात दिन घर जवाब दिया किस औरत के सिकंजा में हम इतने फंस गए कि हमने संसार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, लेकिन इस बेवफा के प्यार में इतने अंधे हो गए कि दरबार भी छोड़ दिया। मैं नहीं जानता था कि औरत बेवफा है, लेकिन लेकिन दोस्तों साथ ही साथ हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि औरत के अंदर और औरत में मेरी केवल यही समझ में नहीं आया, सोच सोच करके मैं दुखी हो गया कि क्या छुपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है। अवधेश और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। सोचा करता हूं कि दीन बंधु मतलब शरीर से कोई बात संबंध नहीं है जो आप शरीर से समझो, हाँ गहराई की बात है कि भगवान ने औरत में ऐसी कौन सी चीज बनाई, औरत में क्या छुपा दिया, क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। बलवान छोड़ो, विद्वान ऋषि महात्मा ऐसा ही नहीं, देखो देवताओं की ओर देखो, क्या देखा इंद्र अहिल्या पे, क्या देखा इंद्र अहिल्या पे ब्याही अपनी छोड़ी नारी, क्या देखा नीचे चंद्रमा ने जो गुरु की ले भावो नारी। चाहता संक्षेप में ही हमारी बात समझे, क्या छुपा दिया हर नारी में, क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है, हर बलवान तलक झुक जाता है, हर बलवान तलक झुक जाता है। जैसे ही दोस्तों लड़का से जवाब दिया कि देखो बेटा कि हम इस औरत के प्रेम जाल में इतने फंस गए कि हम सब कुछ भूल गए, उसके बाद मैंने एक दिन देखा, एक दिन देखा, क्या देखा, अरे एक दिन की
पातरे घुड़सार में पहुंचे जाई। देखा मैंने घुड़सार में घोड़ा दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जा रहे हैं, ये सब क्या तरीका है। महाराज कहीं नौकर से तब ललकार, अरे हरामी मक्कारो सोते हाँ पाँव पसार। सोई हाथ जोड़ के नौकर तब राजा से बतराने, सोई हाथ जोड़ के नौकर हाय राजा से बतराने। मैंने देखा कि घुड़सार में घोड़ा दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जा रहे हैं, तो एक नौकर से इशारा किया कि इतने बदतमीज हो, हरामी हो, जो दिन प्रतिदिन घोड़ा कमजोर होते चले जा रहे हैं, ये सब क्या है। तो दोनों हाथ जोड़ करके नौकर कहने लगा, महाराज मुझे माफ करना, कहने के लायक बात तो नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि रात समय में महाराज और महारानी घर से आती है। अरे रात समय में महाराज महारानी घर से आती है। अरे हो करके सवार घोड़ा पे नहीं पता कहां को जाती है। कहानी सुनाई और बताया कि देखो बेटा, नौकर ने हमसे ये कहा कि यही लड़की वो महारानी न जाने रात में कहां जाती है। और भोर होने से पहले ही जब घोड़ा लौट के आता है और दाना घास नहीं खाता बेहोशी में गिर जाता है। नौकर ने इशारा किया कि तुम्हारी रानी न जाने कहां जाती है रात के समय और सुबह होने से पहले ही लौट करके यहां आ जाती हैं। जो घोड़ा ले जाती हैं इतनी तेजी के साथ दौड़ाती हुई लाती हैं कि यहां आकर के घोड़ा बेहोश हो जाता है, दाना घास तक नहीं खाता है, इसलिए सब घोड़ा कमजोर होते चले जाते हैं। इतनी बात जब हमने सुनी तो नौकर के ऊपर विश्वास मैंने नहीं किया, लेकिन मैं देखने लगे समय, वक्त देखने लगे। दूसरे दिन मैंने देखा कि देखें मेरी औरत तो वफादार है, मेरी औरत मुझे इतना चाहती है कि मैं इस औरत के पीछे सब कुछ भूल गया और पूरा दिन हो गया। दूसरे दिन अरे पूरा दिन गयो तेरे जब शाम हो न कोई आई। जो आज जकड़ी बैठी है ये यही मेरी औरत है। इसी ने महाराज नार ने आबत कंत निहारी और पकड़ कर आई लाए बैठाई आसन दीनो डार। ऐसा ही नहीं अब लेके गड़ुआ सोने बालो भर के नीर धरो अंगार और थाली पकवानन की लाई भोजन कर दे पिया हमारे। जवाब दिया कि देखो बेटा, जिस समय इस औरत ने हमें आते हुए देखा और तुरंत ही बड़ा सम्मान किया, उसे चाहे न बोलती हूं बाद में पानी उलाए के धत दो, बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए और हमें भोजन कराए के बाद में जाने जब हमें लिटाए दो और बाके बाद में जब हम सोए गए तो तुरंत ये औरत भागी और हम सोए ना है, देखत रहे औरत कहां जा रही है। तो ले घोड़ा ना
अरे मेरे लाला हम लागे तुरत पिछारी जी जवाब दिया देखो बेटा घोड़ा लेके जब औरत जब भागी और हमने एक दूसरा घोड़ा निकाल लिया और हम भी इसके पीछे दौड़े के देखे कहां जाएगी और हमसे जकाती के हम तुम्हारे बिना अब पहुंची जंगल बीच में अरे मेरे बेटा कोई मिली दानी से औरत हमें सुला करके और घोड़ा पर सवार होकर के कि ये कहां जाने लगी और तुरंत ही पीछे पीछे हम दौड़े। जब हम दौड़े तो मैंने देखा कि जंगल में एक दानी के पास में ये लड़की पहुंच गई और वहां जाने के बाद में हम तो चुपचाप झाड़ी में छुप करके बैठ गए कि देखिए ये क्या करेगी। तब उस दानी ने देखा कि अब आई और इतनी देर तक तुम कहां रही। अब न जाने जाको शादी से पहले ही बात है कोई संबंध आ तो न जाने क्या था। मतलब पहले तो ये वो थी जो ये कह रही थी कि हम तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकते वो ही हमें धोखा दे गई। एक दानी के साथ इसका हित हो गया तो दानी ने अब लेके सोटा तो मैं घनारी धाम खाई हार लेके सोता हाथन में घनारी धाम खाई गई रात सब बीती रे कहां पे देर लगाई जवाब दो। हम तो एक झाड़ी में छुपे भय देख रहे थे वो दानी औरत पर दौड़ पड़ा और कहने लगा कि सवेरे के 4 बज गए इतने खल्लो तू कहां रही दिया कि देखो लाला मैं एक झाड़ी में छुपा हुआ देख रहा था जब इस औरत ने यह कहा कि हमारे पति आज घर में जल्दी आ गए लेकिन सोए नहीं इसलिए हम लेट हो गए आने में मुझे माफ कीजिए कल सवेरा जब होगा मैं अपने पति को जहर दे करके मार दूंगी और हम तुम्हारे ही साथ रहेंगे क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे आज माफ कीजिए आज के बाद ऐसा कदापि नहीं होगा कभी नहीं होगा। उसके बाद वो औरत अरे दानी के पास बैठ के
पास तो बैठ गई, लेकिन वहां एक नहीं था बेटा, एक नहीं था, दो थे दो। एक ने वो बोला रे निहारी, तब नारी ने अरज रे गुजारी। इसी औरत ने तलवार निकाली और हमें मारने के लिए तैयार हो गई, तब तक इस कुत्ता ने उस दानी को अपने कब्जा में कर लिया। बस यही एक वफादार मेरा मित्र है। मैं भाई लड़ाई हम दोनों में और ना ही उसकी पेश परी, और यही दानी की पेश नहीं गई, तब इसी औरत ने हाथ में तलवार ले ली, जो हमारे गले का हार थी वो ही फिर जिंदगी के लिए सूल बन गई, कांटा बन गई, और इसी ने हमें मार डालने के लिए तलवार हाथ में पकड़ ली। ऐसा ही नहीं, बड़ी चतुरता से मैंने दानी का सिर काट दिया। सर काट दिया, ये कटा हुआ सर रखा है, ये उसी पाजी का है जिसने हमारी जान लेनी चाही, लेकिन उसका जो साथी था, दूसरा प्रेमी था इसका, भागता हुआ बोम जंगी महर अंगेज के पास गया। उसने अपने तखत के नीचे उस दानी को छुपा, केवल इतनी ही कहानी है। जवाब दिया, देखो मेरे लाल, जिस समय हमने दानी का वध कर डाला तो उसका साथी जो दूसरा था वो जान बचा करके भाग गया और मेहर अंगेज के पास पहुंच गया। मेहर अंगेज ने उसे अपने तखत के नीचे छुपा लिया। बस इतनी ही मेरी कहानी है। इस औरत को मैंने बंदी बना के रखा है, यही गुल नाम की लड़की है जिसने मेरे साथ में बेवफाई की है। एक दानी के साथ हित करने के बाद में इसने मेरे प्रेम को धूल में मिला दिया। बस इतनी ही कहानी है। अब जो हमने तुमसे बात कही थी कि कहानी सुनाने के तुरंत बाद हम तुम्हारा सर काट देंगे, कहा था ना, इसलिए अरे भाई है पूरी बात हमारी अपनी, सर तन भाइयों
तो खत्म हो गई, गुल सनोबर की सिर्फ इतनी ही कहानी थी। अब वो शर्त जो मंजूर की थी तुमने कि कहानी सुनने के बाद हम अपना सर कटवा देंगे, वो सर कटवा दीजिए। महाराज कुमार ने कही तुरंत समझाई, शंका एक पति मेरे दिल में दी जो हमें बताई। पाउड नंबर की मका चब जावे कि अब ऐसा करो अपना सर कटवा दीजिए, क्योंकि हमारी शर्त पूरी हो गई। ये कहानी जो हमने सुनाने के लिए तुमसे कही थी वो कहानी हमने सुना दी, अब अपना सर कटवाई। लड़का कहने लगा, लेकिन महाराज एक एक शंका हमें रह गई। कौन सी? अपना सर कटवाओ। जवाब दिया, सर काटने के लिए मैं मना नहीं करता हूं, कहानी आपने सुना दी, आप हमारा सर काट लीजिए, लेकिन एक बात बता दीजिए केवल। कौन सी? केवल ये बताओ कि बादानी को नारे ने अरे महाराजा क्यों घर में लो है छुपाई जी। मेहर अंगेज के पास जो दानी पहुंच गया, लेकिन उस दानी को उस लड़की ने क्यों छुपा लिया, केवल ये बता दीजिए और हमारा सर काट दीजिए। इतनी बात बता लाई कि अरे मेरे राजा मेरा नीजो शीश काटाई जी। जवाब दिया कि केवल हमें इतनी बात बता दीजिए कि उसने मेहर अंगेज नाम की लड़की ने उस दानी को अपने तखत के नीचे क्यों छुपा लिया है, फिर हमारा सर काट दीजिए। जो इतनी बात सुनी तो सनोवर कहने लगा, माफ करना बेटा माफ करना। कहूं बात में साफ करो मोई माफ जवाब नहीं आवे, और कौन से मतलब से दानी को राख लो है बानी। तुम्हारे सम्मुख लाल सुनो कर खेले, हर हम माने हर हम मानी, और मेहर अंगेज के बारे में नहीं जाने, मेहर अंगेज के बारे में नहीं जाने। जवाब दिया उस राजा ने कि अब तो तूने एक ऐसी बात कही है जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, कोई उत्तर नहीं है। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अब तू जीत गया मैं हार गया, मुझे नहीं मालूम कि उस लड़की ने उस दानी को अपने तखत के नीचे क्यों छुपा लिया है। तुम ऐसा करो तुम यहां से चले जाओ, हम तुम्हें क्षमा कर रहे हैं, प्राण दान दे रहे हैं, तुम्हारा सर हम नहीं काटेंगे। दोस्तों उसी समय उस लड़का ने अरे चल वे की लाग लगाई, ओए चल वे की लाग वे लगाई, मिलो जमीला तेरे ढिंग जाए। कहानी सुनने के बाद से निकलने के बाद उसी लड़की से जाकर के मिला है जिससे घोड़ा लेकर के गया था, तलवार लेकर गया था, जिससे पता पूछ के गया था, उसके पास पहुंचा। पानी ही तो से ले बैठाई, और लड़का बोला तुम्हारी खातिर मंजिल पाई।
जवाब दिया उस लड़की के पास में जाकर के, हमें माफ करना, तुम्हारा बड़ा एहसान है मेरे ऊपर जो तुम्हारी खातिर हमने ये मंजिल पाई है, ये कहानी हमने सुनी है और हम तुम्हारे पास दोबारा लौट करके आ गए, इसलिए अब हम उसके साथ शादी, शादी तो बाद में, पहले अपने भाइयों का बदला लेना है। तो जमीला नाम की लड़की कहने लगी, क्या हमें छोड़ दोगे? जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारी खातिर सब मिलो, अरे मेरी प्यारी, कोई भारी तेरो एहसान जी। रात करके शादी तेरे संग में, अरे मेरी प्यारी, और राखी ही तकरी दिया कि हम तुम्हें तो नहीं छोड़ पाएंगे और हम तुम्हारे साथ विवाह जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, तुम मेरे साथ चलो, और लेकिन उससे हम अपने भाइयों का बदला जरूर लेंगे जिसने मेरे 6 भाइयों का कत्ल करने के बाद में सर किला के ऊपर लटका दिए ही। इतनी बात कहने के बाद वो लड़का लड़की को साथ लेकर के वहां से चल पड़ा, आगे बढ़ता चला गया। दोस्तों मेहर अंगेज, मेहर अंगेज के पास में जाकर के पहुंचा है और वहां जाकर के जब पहुंचा तो द्वार पर एक ढोल रखा हुआ था और उस ढोल को अवधेश वही बजाया करता था जो उसके सवाल का जवाब दिया करता था, और जवाब नहीं दे पाता था तो उसका सर काट करके अपने किला के ऊपर लटका देती थी वो लड़की, मेहर अंगेज। अब वो लड़का बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया और तीनों ढोल बजाई सुना चितलाई सभा के भाई, और घोर सुन के बेटी पहुंची आई। बढ़ता चला गया और जैसे ही ढोल बजाया वो लड़की के कान में आवाज जब गूंजने लगी तुरंत वो लड़की भागी। अरे तीनों ढोल बजाए सुना रे चितलाए सभा के भाई, सभा के भाई रे सभा के भाई, घोर सुन के बेटी पहुंची आई। लड़का ने देखा चंदा सुदम के अंगा हाथ में संगते गले आई, ऐसा ही नहीं चंदा सुदम के अंगा हाथ में संगते गले आई, जहां कुमरता गई या भागने आई। जैसे ही लड़का ने ढोल बजाया और वो लड़की भागती हुई वहां पहुंच गई, और वहां पहुंचने के बाद में लड़का से कहने लगी, क्यों रे इस ढोल में जो आवाज तूने लगाई है इसका मतलब सिर्फ यह है कि जो हमारे सवाल का जवाब देगा वो मेरे साथ शादी करेगा, और सवाल का जवाब अगर नहीं दे पाया तो मैं सर काट करके केला के ऊपर टंगवा दूंगी। ते गाले के हाथ में बोली बचन सुनाए, अरे गुलशनोबर की कथा तुम दीजो हमें बताए। जवाब दिया, गुल और सनोबर की कथा तुम हमें बताओ, अगर नहीं बताओगे तो जैसे देखो जी लाइन में सब लगे हैं सर कटे हुए उसी तरीका से तुम भी आ जाओगे, और अगर ये कहानी बता दी तो तुम मेरे साथ विवाह कर लोगे। वो लड़की देखने में इतनी खूबसूरत थी तो वो लड़का कहने लगा कि सुन
गुल और सनोवर की बात बात की है। अरे बड़ी बेवफा नारी थी, अरे सुकुमारी बने छोड़ दे ते भला की कहानी सुन रही है। अरे छोड़ उसे बने धोखा दे के प्यार को, अरे मेरी प्यारी कोई फंसी तानी से अपने पति को धोखा दे के धानी के सिकंजा में फंस गई। जो इतनी बात सुनी तो लड़की बोली मेहर अंगेज के रुक जा रुक जा रुक जा रुको रुको रे अब मते कहो यारे मेरे प्यारे मोसे ले भमरिया लड़की कहने लगी तुम रुक जाओ अब मत कहो। मैं समझ गई पूरी कहानी मेरी समझ में आ गई कि हाँ वो लड़की बेवफा थी, उसने अपने प्यार को धोखा दिया और एक दानी के सिकंजा में फंस बैठी। तुम मेरे साथ विवाह कर लो, विवाह कर लो, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार है। उसी समय दोस्तों लड़का ने कहा हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। और उसके बाद अरे मंडप लो गड़बाई रे शादी की भाई साहब को लग भूल के बाहर आई गई है। लड़की ने इशारा किया कि तुम मेरे साथ विवाह कर लो और हम तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। मेरे सवाल का जवाब मिल गया। उसी समय लड़का ने सोचा कि चलो इसे दंड तो देना है जिसने मेरे 6 भाइयों का कत्ल किया है और बिना विवाह किए हुए हम इसे दंड और सजा नहीं दे पाएंगे। शादी तो कर ली और शादी करने के बाद जो दानी छुपा हुआ था उसके तख्त के नीचे उसे निकाल लिया और निकालने के बाद में दोस्तों दोनों को अपने साथ कर लिया, मेहर अंगेज को उस दानी को और जो पहले लड़की ने रास्ता बताई थी उसे। अब उसके बाद उस दासी का ध्यान आया जो मेहर अंगेज की दासी थी जिसने वहां तक पहुंचने का उन्हें अनुभव कराया था, उन्हें रास्ता बताई थी। आगे बढ़कर के उस लड़का ने अरे फलन दासी को रे बुलबायो जाने पहले रे तुले बताओ को भी बुला लिया जिस दासी ने पहले ही सारी कहानी बता दी थी। उसके स्वरूप में फंसने के बाद में अब जो लड़की थी मेहर अंगेज वो भी साथ में है, जिसने वहां तक जाने का रास्ता बताया था वो भी साथ में है और उसकी दासी वो भी साथ में है।
अब तीन लड़कियों को साथ लेकर के घर पहुंच गया और वो दानी दानी भी साथ है, ऐसा ही नहीं। आओ अपने धाम को लेके तीनों नारे और जंगी को सम्मुख करो फिर हाथ लई तलवार। दानी को सामने खड़ा किया और जवाब दिया, क्यों रे कमीन, इतनी लंबी बात तूने इस औरत से कही जिससे मेरे छह भाई मारे गए। उस दानी को, अरे घोड़ा से बांधा भाई के, अरे मेरे भैया कोई खिंचवाओ तो कई को सजी। दोस्तों उस दानी को जान से मरवा दिया और जान से मरवाने के बाद में उस मेहर अंगेज नाम की लड़की को अपने पास बुलाया और जवाब दिया, अभागी औरत, तेरे पीछे मेरे सगे छह भाई मारे गए, आज शादी करके हम तेरे साथ जरूर लाए हैं लेकिन हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब डर के मारे लालत के नार चिंगारी, मेरो करियो माथक सूर रे के भूल हुई गई भारी। औरत रोने लगी और कहने लगी, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, जो हजारों राजाओं के राजकुमार मार दिए, सर काट करके किला के ऊपर टांग दिए, मैं ऐसा नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसी समय दोस्तों गांव के लोगों ने भी समझाया और उस लड़का ने उस औरत को भी अपने साथ रख लिया। क्षमा करें, ये कहानी यहीं पर पूर्ण होती है।